आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना महामारी को लेकर आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर सकें। कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह। डॉक्टर बलविंदर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-1157 और 01-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बलविंदर, अगर हम इस समय देश में कोरोना की ताजा स्थिति की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,000 से अधिक मामलों का पता चला है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर आप देश के अन्य हिस्सों की अगर हम बात करें या राजधानी दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पे जिस तरह से हमने देखा है कि पहले एक पीक पे गया और उसके बाद धीरे धीरे इसके मामले कम होते गए और अभी अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस समय मात्र 11,366 लोगों का इलाज चल रहा है, तो एक बड़ा कंट्रोल किया है। तो देश में जो स्थिति है अलग अलग जगहों में अलग अलग, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, देखिए दिल्ली के अंदर जो इस समय केसेस कम आ रहे हैं इसका सिर्फ एक ही सीधा सीधा जवाब है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का पालन लोगों ने, तो इसमें एक मेन इशू होता है, लोगों ने उसको मेंटेन किया। अक्सर दिल्ली के अंदर आप कहीं से भी जाके देखिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं बिना मास्क लगाए, बसों में देखिए मास्क लगा के जा रहे हैं, दफ्तर से मास्क लगा रखे हैं, कहीं पे भी देखिएगा। एक तो देखिए शुरू में जो कर्फ्यू सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छे से हुआ। पूरी की पूरी सड़कें खाली रहती थी, मॉल मार्केट खाली रहते थे, धीरे धीरे अनलॉक हुआ तो लोग बाहर आने शुरू हुए, लेकिन लोगों ने अपना पूरा सहयोग किया। इसी के स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो वो दूसरे राज्य में ये बहुत बढ़ता जा रहा है। जी, क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है? जिसमें दो चीजें मेन उभर के आ रही हैं कि लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क लगाते हैं तो पहले लगाते नहीं है, फिर लगाते हैं तो उसको ठीक से लगाते नहीं जी, और ग्रुप्स में लोग बहुत इकट्ठे हो रहे हैं जी, तो अक्सर देखिए स्टेशन पे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो वहां पे मार्केट कहने का मतलब कि मॉल्स नहीं तो दूसरी मार्केट लगती है जैसे फ्रूट की मार्केट, सब्जी मार्केट, उसमें बहुत फास्ट फास्ट रहते हैं। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि कुछ राज्यों में जो एजुकेशन का लेवल है, लिटरेसी रेट कम है, तो उन लोगों को थोड़ा सा हमको समझाने में थोड़ा दिक्कत आता है। और एक इसके अलावा और चीज है कि ये वायरस, इसको हम बोलते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर वायरस है जी, जिस राज्य में ये वायरस एक बड़ी स्प्रेड करता है काफी पॉपुलेशन में जी, अब वहां पे ये वायरस फिर प्रतिरोधक क्षमता होती है, सामाजिक प्रतिरोधक क्षमता, उसको इंग्लिश में कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो जल्दी बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है जी, तो फिर ये वायरस उस पॉपुलेशन में सर्वाइव नहीं करता, तो ये अपना निश ढूंढता है। निश कहने का मतलब कि वायरस कहां से सर्वाइव कर सकता है, तो जो आसपास के राज्य हैं दूसरे राज्यों में ये फैलना शुरू होता है, तो एक सुपर जैसा है, इसका बिहेवियर बड़ा बिजार है। और इसके अलावा एक चीज अगर आप देखें तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पालन नहीं कर रहे हैं, और हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश का, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ये ऐसे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। परंतु एक अच्छी खबर इसमें ये है जी कि मृत्यु दर हमारा बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में देखिए और भी वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं और अब तो 2% से भी कम हो गई। बिल्कुल आपने ठीक बोला, 2% से जब मृत्यु दर कम है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, इसमें एक राहत वाली
तो इसका मेन एम होता है कि किसी भी से मृत्यु दर कम रखी जाए, वो कम है तो इसमें हमें चिंता करने का बात नहीं है। बाकी आपके माध्यम से इस रेडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ संदेश कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हाथों को अच्छे से बार बार धोएं और जो भी आपके पास और इतिहास करने वाले तो बताया गया तो जाएगा उसको पालन करें। डॉक्टर बलविंदर बार बार लोगों से या अनुरोध कर रहे हैं श्रोताओं से कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस तरीके से दिल्ली में हमने विजय पाई है इसके ऊपर काफी हद तक केसेस कम हुए हैं, उसी तरह से देश के पूरे हिस्से में अगर सब लोग एहतियात बरतें तो हम निश्चित तौर पर कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर बलविंदर आपके पास बहुत सारे मरीज आते रहते हैं तो क्या कुछ नए लक्षण कोरोना वायरस के मरीजों में आपको देखने को मिल रहे हैं? और पहले जैसे हम लॉस ऑफ टेस्ट की बात करते थे या मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, क्योंकि अगर हम इस यहाँ पे एक शोध की बात करें तो उसमें ये पाया गया है कि कोरोना वायरस स्वाद लेने की क्षमता से जुड़ी सेल्स को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो इसमें क्या सच्चाई है और किस तरह के मरीज आपके सामने आ रहे हैं? ये सिद्धार्थ जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मेरे से हॉस्पिटल में बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल, बातें होती हैं। देखिए इसमें जो लॉस ऑफ टेस्ट यानी आपका स्वाद ना आना जबान में, इसका ये नया लक्षण जो है कुछ वेस्टर्न रिपोर्ट्स विदेशों में इस चीज को जरूर नोट किया गया है और इसी के साथ साथ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल यानी चीनने की शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाना ये भी सुनने में आया है, परंतु इसके ऊपर शोध जो हुए हैं उसमें दोनों तरह का फाइंडिंग निकल के आया है, नतीजा निकल के आया है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि हाँ ऐसा होता है कि टेस्ट जो है वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इसको मानती नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक चीज और है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत रोल है। एक बार आप किसी से सुन लेते हैं, कोई पर्सन सुनता है कि देखो इसमें लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है तो उसको मतलब वो फील करने लगता है साइकोलॉजी जी। ना भी हो तो भी हो जाएगा सर, ये अक्सर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन रिएक्शन, जो फिक्टिशियस जी तो लोग प्रोड्यूस करने लगते हैं। ऐसा कुल मिला के मेरे हिसाब से अभी हमें इसमें इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसा एक ध्यान रखने वाली बात है कि भी इससे ध्यान करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सांस की जो तकलीफ होती है जी, हम सबको आपके इस माध्यम से भी कहना चाहता हूँ रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से कि देखिए अगर आपको सांस बहुत तेज फूलता है और अगर आप महसूस करते हैं कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है तो उसके साथ आपको तेज बुखार है, बदन टूट रहा है तो फिर आपको कोरोना का जान जरूर करना चाहिए। आजकल डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ये भी बहुत कॉमन है, परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा में थोड़ा सांस हल्का फुल्का उपड़ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े जी। और डेंगू या चिकनगुनिया में आपको बहुत तेज बुखार आएगा लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है, परंतु अगर ये लगे कि हाँ सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, शरीर बहुत टूट है और खास करके आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जो कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड केस है या आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जैसे किसी अस्पताल में गए हैं या कहीं भीड़ भड़के वाली जगह पे गए हैं तो अगर फिर उसके बाद ये हो रहा है आपको तो आपको अवश्य किसी अच्छे अस्पताल में जाके जांच करनी चाहिए। अपने आप जांच मत कराइएगा, पहले अस्पताल में जाइएगा, डॉक्टर से बातचीत करिएगा, डॉक्टर अगर आपको सलाह देता है तो फिर आप उसका टेस्ट करें। बिल्कुल, और टेस्ट की बात आपने करी है तो अपने सुनने वालों को बता दें कि आज एक ही दिन में देश में करीब 8,50,000 कोविड परीक्षण करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है और धीरे धीरे जो सरकार का टारगेट है कि 10,00,000 टेस्ट हम प्रतिदिन कर पाएं उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर बलविंदर, इस समय रूस की वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा चल रही है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सप्ताह रूस ने जिस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है वो उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिन्हें वो परीक्षण के उन्नत चरणों यानी एडवांस स्टेजेस में मानता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है, ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता और सुरक्षा पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं और इसका पालन करना लोगों के लिए जरूरी होता है।
तो क्या कुछ आप समझते हैं बलविंदर, समझना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीन को लॉन्च होने से पहले किस तरह के ट्रायल्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में भी काफी आ रहा है कि उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो इसकी एसओपी क्या है? हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने दो शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए। एक तो आपने एसओपी बोला, चाइल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और दूसरा आपने ट्रायल्स का बात किया। जी देखिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में हर बीमारी के प्रति वैक्सीन बनने की खोज चलती है या वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाती है, और इसके साथ साथ बहुत ड्रग्स बनती है, इंजेक्शन बनते हैं। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी देश जब अपनी कोई इस तरह से वैक्सीन बनाता है या कोई दवाई बनाता है तो उसको यूएसएफडीए में एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है और उसमें सारा डिटेल देना होता है कि ये वो वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो रशिया ने, रूस ने जो किया है, इस तरह का अभी भी डाउटफुल है कि क्या उन्होंने कोई ऐसा एप्लीकेशन भी फाइल किया यूएसएफडीए के साथ, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और देखिए, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, वो उसकी स्टेजेस होती है, स्टेज वन जिसको बोलते हैं फेज वन क्लिनिकल ट्रायल, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर। ये जो फेज वन टू एंड थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये ह्यूमंस पे होते हैं, और फेज वन में कम लोगों को लिया जाता है, कम वॉलंटियर्स होते हैं, फेज टू में फिर वो बढ़ाए जाते हैं, और फेज थ्री में वॉलंटियर्स बढ़ाकर अलग अलग लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन में वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। तो इसमें अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज पर डब्ल्यूएचओ'स रिकमेंडेड गाइडलाइंस एंड एसओपी एंड दैट ऑफ यूएसएफडीए रेगुलेशन, रूस ने इस चीज को फॉलो नहीं किया है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, या मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वैक्सीन जब वो प्रॉपर ट्रायल्स नहीं होते, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते, तो उस वैक्सीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई अगर वैक्सीन इस तरह से बना दी जाती है और अगर आप वो दे देते हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स, तो एक तो पहले बात बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये वैक्सीन आपको कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा देगी? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर है नहीं, चांसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं देगी। क्यों? आपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में फॉलो किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि उसमें हम पोटेंसी के साथ साथ एफिकेसी को भी टेस्ट करना है। जी, एफिकेशियस और नॉट, अगर ये एफिकेशियस है तभी काम करेगी, अगर आप ट्रायल नहीं करते तो उसका मतलब एफिकेशियस टेस्ट नहीं हुई है, तो इसे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज इससे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज अगर आप ये वैक्सीन दे देते हैं बिना ऐसी ट्रायल किए, तो कल ये वैक्सीन जो है, जो भी आपको बनाया, कल ये बहुत सीरियस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। जी, ये आपके ये ह्यूमन ब्रेन को डैमेज कर सकती है, मल्टीपल ऑर्गन्स बॉडी के ऊपर उनको अफेक्ट कर सकती है, तो ये बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। डॉक्टर बलविंदर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से शेयर करी है, क्योंकि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बड़े सारे सवाल आते रहते हैं कि इतने दिन हो गया इस बीमारी को आए हुए, 5 महीने 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपने विस्तार से जिस तरह से एसओपी को समझाया, जिस तरह से आपने ह्यूमन ट्रायल्स की बात की, उससे अब ये समझ में आने लगा है कि वैक्सीन के निर्माण के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं, इसमें अपना पूरा भरसक जो है प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम समय है, जो ट्रायल है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। और अब हम रुक करेंगे दिल्ली का, बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद वजीर जी से। हेलो वजीर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। मैं ये जानना, आप सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। जी आपको भी। जी आपको भी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि एक लड़का मेरे साथ काम करता है, यानी 18 साल 19 साल उसका उम्र है, तो उसको कल तो बिल्कुल सही था और आज जब आया ड्यूटी तो उसको एक हल्का सा सर्दी जुकाम होने लगा और उसके हाथों में पूरे फुंसी हो गई, मतलब छोटा छोटा फुंसी होकर वो फूट रहा था, जिसको माता बोलते वो माता नहीं था, वो उसमें लहर पन आ रहा है, क्या ये कोई कोरोना का तो कोई लक्षण नहीं है? और मेरा एक सवाल और है सर। जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्या इतना सैंपलिंग हुई, तो क्या मैं जानना चाह रहा था क्या ये अब सिर्फ घोषणा करना बाकी है कि हमारे पास दवा मिल चुका है? जी,
डॉक्टर बलविंदर ये जानना चाहते हैं कि अगर तेज बुखार के साथ शरीर में दाने निकल आते हैं तो क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, कोरोना के लक्षण में ये अभी तक नहीं पाया गया है कि आपको बुखार आए और स्किन के ऊपर ऐसे दाने और फुंसियां निकल के फूटने लगे। जी ये जरूर होता है, ये बरसात का मौसम चल रहा है, इन दिनों में एलर्जिक रिएक्शन स्किन के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, बुखार आता है, बुखार के साथ एलर्जिक रिएक्शन होता है, परंतु कोरोना में ऐसा कोई लक्षण नहीं देखा गया है। जी, और ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना के इलाज के लिए क्या कोई नई दवा या इस तरह की कोई मेडिसिन आई है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, इसके लिए दवा जरूर आई है, जिसमें दो तीन दवाएं मैं बता सकता हूँ, जिनमें एक रेमडेसिविर दवाई आई है, फेविपीर एक दवाई और आई है, इस तरह की दो तीन दवाइयां आई हैं, परंतु ये दवाई को केवल डॉक्टर ही लिख सकते हैं और डॉक्टर के लिखने पर ही ये केमिस्ट लोग देते हैं। इसको ऐसा मत पूछिएगा कि अगर मैंने किसी फेविपीर दवाई या रेमडेसिविर का नाम ले दिया है तो आप मार्केट में जाके केमिस्ट से मांग कर ये खा लें, ऐसा नहीं करना है। एक तो ये इंजेक्टेबल दवाई होती है, जो इंजेक्शन के रास्ते दी जाती है, इन्फ्यूजन देते हैं, आईवी फ्लूइड सप्लाते हैं, उसके अंदर दिया जाता है। तो ये दो तीन दवाइयां अच्छी आई हैं, परंतु एग्जैक्ट इसका प्रोटोकॉल क्या है उसका बारे में हम जो है कुछ स्टडीज कर भी रहे हैं, इंडिया में स्टडीज हो रही है, कई देशों में हुई है, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बन गई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलाज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी जो है अच्छे हैं रिजल्ट। जी, डॉक्टर बलविंदर ने हमें बताया कि किस तरीके से जो नई दवाएं कोरोना के इलाज में प्रयोग हो रही हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या प्रोटोकॉल हैं उसका हम उसको ध्यान में रखते हुए हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज जो आप व्हाट्सएप पे या अखबारों में या किसी ऐसे सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं जिस दवा के बारे में, उसे आप बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के ना लें। जी, और अब डॉक्टर बलविंदर हम रुख करते हैं राजस्थान में चुरू का, जहां से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी जी, ओम प्रकाश जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं सर कि जैसे सीनियर सिटीजन हूँ, RCT दांतों का अभी परिस्थिति में कराऊं या नहीं कराऊं? जी डॉक्टर बलविंदर, ये बड़ा अहम सवाल है। जी जी, बहुत सारे हमारे श्रोता, क्योंकि इसको लेके बीच में हम, अगर आपको याद हो, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन भी आई थी कि अगर हम जो डॉक्टर दांतों के डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वहां भी बहुत सारी सावधानी की बात की गई थी कि किस तरीके से, क्योंकि वहां पे जब दांतों का इलाज करते हैं या किसी प्रकार का प्रोसीजर होता है तो हमारे मुंह के द्वारा होता है, तो उसमें कैसे सावधानी रखें या अगर किसी को कराना हो तो वो कैसे करें? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है ये जो पूछा गया है हमसे, ओम प्रकाश जी ने पूछा। देखिए, इसमें क्या है कि आपको दांत की कभी कुछ तकलीफ होती है इन दिनों में, आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाए, डेंटिस्ट अपने मास्क लगाते हैं, अपने सैनिटाइज करते हैं, वो आपका दांत का एग्जामिनेशन करें। जी, कि लगभग 90-95% दांत की तकलीफ जो है वो दवा खाने से ठीक हो जाती है। वो डॉक्टर्स जो है क्या करते हैं, इमीडिएट सर्जरी नहीं करते हैं, इन कोरोना के दिनों में अक्सर डेंटिस्ट ही करते हैं और डेंटिस्ट कर रहे हैं और आपकी कंडीशन सेटल हो जाएगी। जी, और सर्जरी जो है फिर वो उस टाइम करेंगे जब थोड़ा सा जैसे वैक्सीन आ जाता है और कोरोना के केसेस कम हो जाते हैं, तो सर्जरी को डेफर किया जा सकता है, मीन उसको फादर टाइम भी हम सोचते हैं, दवा खाके आराम से रहिएगा और जब ठीक समय आएगा तो मसला कम हो जाएगा, हम कर देंगे। परंतु अगर कोई बहुत ही अल्ट्रा असेंशियल जिसे कहते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जिसमें कंडीशन इतनी हालत खराब है कि ऑपरेशन छोटा करना पड़ेगा दांत ओरल कैविटी का, तो उसमें बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके ऑपरेशन किया जाता है, कर देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन उसमें कोई घबराने का बात नहीं है। आप अपने, ओम प्रकाश जी को मैं ये कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा उनसे, और दवाई खा के अगर आप ठीक रहते हैं और आप उसको महीना दो महीने लेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। जी, और इसके बाद डॉक्टर बलविंदर अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का रीवा का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राम जी गर्ग। हेलो राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार सर जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, और इसके साथ चलते शिवरात्रि पर्व 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी शुभकामनाएं। सर मास्क को कैसे पहचाने कि कौन से मास्क को धो सकते हैं और कौन से मास्क को नहीं, और शैम्पू डिटर्जेंट पाउडर से भी क्या हाथ धो सकते हैं हम लोग? जी डॉक्टर बलविंदर, पहली बात तो ये है कि जो आप, जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में भी आपने और बार बार लोगों से अपील करते रहे हैं कि मास्क लगाना जो है वो बेसिक हमारी, जिसे हम सोशल वैक्सीन का नाम देते हैं, कि मास्क आप जरूर लगाइए। जी, तो किस तरह का मास्क का चयन हम कैसे करें, उसको लगाने के क्या तरीके हैं, और हम क्या उसे धो सकते हैं या नहीं? हाँ देखिए, पहले हम एक बात करते थे बहुत कॉमन N95 मास्क की। जी, और एक दूसरा मास्क होते हैं ट्रिपल लेयर मास्क, ट्रिपल प्लाई मास्क। अब देखिए, इसमें N95 मास्क के बारे में कोई दो राय नहीं कि इसको यूज करना है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सू हैं, जो ऑपरेट करते हैं पेशेंट को डायरेक्टली, दिखते हैं उनको यूज करना। एज ए कॉमन मैन आपको एक ऑर्डिनरी ट्रिपल प्लाई मास्क इस्तेमाल करना है। आप इसके लिए कैसे भरोसा हो कि ये मास्क आपने लिया है ठीक है या नहीं है? जी। आप एक अच्छी दुकान पे, स्टैंडर्ड फार्मेसी की शॉप पे जाइएगा और उसको बोलिएगा कैंडिडेट को कि मुझे ट्रिपल प्लाई मास्क दे दीजिएगा। जी, ट्रिपल प्लाई मास्क जब आप बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, तो वो मास्क आपको मिलेगा और वो बहुत सुरक्षित होता है। और डबल मास्क लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप एक मास्क लीजिएगा, उसको सुबह लगाइएगा और 12 घंटे तक आप उस मास्क को इस्तेमाल करिएगा। मास्क को ज्यादा महंगा भी नहीं होता, N95 मास्क कम से कम 150 से 200-250 तक का बिकता है। जी। लेकिन ट्रिपल प्लाई मास्क आपको 20 से 20 रुपए तक का मिल जाता है, आप उसको 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल प्लाई मास्क को धोना नहीं होता है, N95 मास्क को भी हम बोलते हैं नहीं धोना है। जी। जो कॉटन के लोग मास्क पहन के जा रहे हैं जी, इसके बारे में डबल ओपिनियन है, कुछ तो कहते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ तो कहते नहीं मिलती है। परंतु मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते कहूंगा कि कपड़े का जो सादा सा मास्क आप लगाते हैं उससे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलती। हाँ, इतना जरूर होता है कि आपको जैसे बरसात के दिनों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे से, जैसे कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन, तो उससे थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। कोरोना वायरस से कॉटन के मास्क से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कपड़े का मास्क पहना है तो आप उसको एक दिन के हर रोज धो लीजिएगा, नहीं तो 2 दिन में एक बार तो धो लीजिएगा। लेकिन कोरोना से बचना है तो एक ही शब्द याद रखिएगा, ट्रिपल प्लाई मास्क। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि ट्रिपल मास्क का हमको प्रयोग करना चाहिए अगर हमें कोरोना वायरस से बचाव करना है। और सर, इसी तरह से एक सैनिटाइजर के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरह का सैनिटाइजर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और खरीदने से पहले उन्हें हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी देर तक इसका असर रहता है, और कई बार हम खाने पीने के पहले सैनिटाइज अपने हाथों को करते हैं तो क्या, कितनी देर हमें रुकना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं इसको लेकर। जी जी, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सैनिटाइजर के सवाल अभी तक आते रहते हैं। मैं आपको एक सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर में हैं, घर में रह के काम कर रहे हैं या घर पे ज्यादातर समय बिताते हैं, तो प्लेन सोप और रनिंग वाटर से बेटर कुछ भी नहीं है। आप अपने हाथों को अच्छे से धोइएगा 15 से 20 सेकंड का समय लगा के प्लेन सोप और वाटर। जी। और जहां तक सैनिटाइजर का सवाल है, तो मार्केट में आजकल बहुत सारे सैनिटाइजर अवेलेबल हैं। आप मार्केट से जाके किसी अच्छी कंपनी का सैनिटाइजर ले लीजिएगा। आजकल डाबर जैसे कंपनी के या और जो एनिल कंपनी, ये कुछ बहुत अच्छे हर्बल सैनिटाइजर बनाते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये कितने परसेंट इफेक्टिव रहते हैं इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, उसमें 70% ऐसे सैनिटाइजर्स मार्केट में आ रहे हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो ये सैनिटाइजर जो होता है अल्कोहल बेस्ड, जी, इसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्किन थोड़ा सा खराब होने का रिस्क रहेगा, स्किन आपका ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल होता है उसमें, तो स्किन को ड्राई कर देता है। दूसरा ये है कि आपने एक बार सैनिटाइजर डाला तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा 2 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इससे बेहतर ये रहेगा
कि आप खाना खाने से पहले अच्छे से प्लेन सोप और वाटर के साथ हाथ धोएं, खाना खाने के बाद ही धोएं। अगर यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, फाइलें उठाते हैं, पेपर वर्क काफी इस्तेमाल करते हैं, फाइल वगैरह को हैंडल करते हैं, तो उसमें जब काम कर रहे हैं तो उसके बाद जाके सीधा वॉशरूम में जाके अपने हाथ धोइएगा। और अगर आप बाहर गए हैं, घर में आए हैं, तो सीधा अपने सिंक में जाइएगा, प्लेन सोप और वाटर से हाथ धोइएगा। ये जो है मैं सोचता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं। जी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, अनवर जी। अनवर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार अनवर जी, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। सर मेरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को लगातार 15 दिनों तक खूब तेज बुखार रहता है और साथ में खूब तेज खांसी भी होती है और 6-7 किलो वजन भी कम जाता है, जी, तो क्या उसे कोरोना वायरस का चेकअप करना चाहिए? और एक शिकायत मेरी है, शिकायत ये है सर कि इस कार्यक्रम को जब दोबारा सुबह आप लोग प्रसारित करते हैं तो शुरू में तो लाइट रहती है, उसके बाद प्रोग्राम के आखिर तक बिल्कुल लाइट कटी रहती है, प्रोग्राम सुनने में नहीं बनता सुबह। अच्छा, लाइट कटी रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम बिल्कुल, ये तो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन नहीं है, इसको हम इसको देखते हैं कि आपको और गुणवत्तापूर्ण जो है प्रसारण सुनाई दे। लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार रहता है, उसका वजन भी कम होता है, तो क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ये तेज बुखार रहता है और उसका वजन कम होता जा रहा है तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि वो कोरोना का इन्फेक्शन होगा। इस तरह के मरीज को हमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए जांच करवाना चाहिए, जिसमें टीबी का बीमारी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर टीबी के मरीज को क्या होता है कि खांसी उठती रहती है, लंबी खांसी रहती है और बुखार उसको 99 बुखार तो शाम को अक्सर आ जाता है जी। और वजन अगर वो चलता रहे तो वजन उसका कम होता है, तो इस तरह के मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको पूरे शरीर का जांच करते हैं। इसके अलावा कई और भी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे देखिए अगर उम्र ज्यादा है और कोई लंग्स की कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी जी, COPD करके बीमारी होती है, क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्मा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की पुरानी बीमारी होती है और खाने पीने का न्यूट्रिशन का स्टेटस अच्छा नहीं है, खाद खुराक अच्छी नहीं खा रहे हैं, तो उसमें शरीर का वजन कम हो जाता है और खांसी और तेज बुखार आता रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ये कोरोना का लक्षण हो, ऐसा नहीं दिखता। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी नहीं है कि ये कोरोना का लक्षण हो, कुछ अन्य बीमारी भी हो सकती है। श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर बलविंदर आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी कोरोना गया नहीं है, दोनों चीजें, एक तरफ तो हमें कोरोना के साथ जीना होगा और कोरोना के साथ जीते जीते हमें बचाना भी होगा, तो अपनी एहतियात जरूर करिएगा, मास्क, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाइएगा और अपने हाथों को धोइएगा, दिन में कम से कम हर आधे घंटे एक घंटे में करीब हाथ धोइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, बस ये चीजें करेंगे और अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, नींद पूरी लीजिएगा और अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई टॉनिक भी लेते हैं, मल्टीवाइटमिन लेते हैं, आप ले सकते हैं डॉक्टर को सलाह लेकर। बिल्कुल डॉक्टर बलविंदर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे पास समय नहीं है, आप COVID-19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, शुक्रिया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। COVID-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलविंदर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।